अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी अर्सा के बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी स्किन केयर टिप्स आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे इनके साथ बहुत ही फ़ायदा हुआ है। इसलिए मैं चाह रही हूं कि इससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो। तो मैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये कहूँगी कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो मैं आपको जो शेयर करने वाली हूँ, सबसे पहले मैं सुबह उठते ही जो है नमाज़ पढ़ती हूँ। उसके बाद मैंने अपना स्किन केयर वगैरह का जो स्केड्यूल बनाया हुआ है, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरे पास पॉन्ड्स का मेरे पास ये वाइटनिंग जो है फेशियल है, ये देखें, ये बहुत ही अच्छा है। ये पिंपल्स भी इससे नहीं होते और स्किन पर ग्लो भी रहती है, स्पॉटलेस ग्लो। ये अब तकरीबन ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी तक थोड़ा सा है तो मैं यूज़ करती रहती हूँ। अब फिर न्यू का ऑर्डर दूँगी। उसके बाद जी इसको करते हैं साइड पर। फिर मैं जब इससे कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने फेस को, ये जो है इसमें ये पहले बहुत ही अच्छा था सेफ्रॉन वाइटनिंग, बहुत ही अच्छा इससे इम्पेक्ट पड़ता था मेरी स्किन पर। अब जो है मैंने इसमें जो है वो इसमें ऐड कर दिया है अर्के गुलाब, जो कि हमारी स्किन के लिए एक बहुत ही अच्छा टोनर है। यानी कि जब हम फेस साफ़ करते हैं, जब भी हम स्किन को धोते हैं तो फेस साफ़ करते हैं, तो उसके बाद हमारे फेस के जो पोर्स होते हैं वो खुल जाते हैं, उसमें डस्ट वगैरह शामिल हो जाती है। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम ये जो इसमें मैंने, ये मैं आपको खोल कर बताती हूँ जी, ये है मेरे पास गुलाब का अर्क, जिसमें मैंने एक फूल डाल दिया था और इसका कलर इतना पिंकिश हो गया हुआ है, ठीक है, ये देखें। अच्छा, उसके बाद मैं फेस पर ये अप्लाई करती हूँ। अच्छा, उससे क्या होता है कि मेरी स्किन जो है वो बहुत ही अच्छा एक टच आता है, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद जब आप ये अर्के गुलाब अप्लाई कर ही लेते हैं, तो बस छोटा सा एक और काम आपने लाजमी करना है। उसके बाद ये मेरे पास है ग्लैसरीन, ये मेरे फेस को बहुत ज़्यादा सूट करती है। ये है तो इतनी महंगी नहीं है मींस बाकी प्रोडक्ट की निस्बत, लेकिन इससे मेरे चेहरे पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। एक दिन मेरे साथ क्या हुआ कि फेशियल की वजह से शायद पाउडर उसमें ख़राब था या क्या था, आई डोंट नो, बट वो फेशियल जो है वो मुझे बहुत इफ़ेक्ट किया था। मेरे मुंह पर बिल्कुल इस तरह बड़े बड़े जख्म हो गए थे, लेकिन मैंने क्या किया कि कहीं से पढ़कर डिफरेंट रेमेडीज़ देखकर टोटके वगैरह, तो मुझे पता चला कि ये बेस्ट है, ठीक है, सिंपल ये बेस्ट है और कुछ नहीं। तो फिर मैंने ये ट्राई किया, इससे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन पर बहुत ग्लो आया और जो है मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। अच्छा, लाइट के इफ़ेक्ट की वजह से हैंड्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तो नहीं आ रहे, लेकिन यह है कि मेरा मकसद सिर्फ यह है कि मैं अपनी वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ। तो आई होप आप इंजॉय करेंगे मेरी वीडियो को और उससे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा जी, ये मेरे पास है पैक्स वालों का लोशन, बहुत ही अच्छा है। मैं आपको इसको खोल के बताती हूँ, आपको फील होगा खुद ही। ठहरे, मैं आपको इसका ये चेक करवाती हूँ ओपन करके। ये देखें जी जनाब, इतना अच्छा है इसका टच है। मैं आपको इधर से अब स्किन पर अप्लाई करके भी दिखाती हूँ, जस्ट वेट। देखें, जस्ट मैंने फिंगर्स पर अप्लाई नहीं किया, सिर्फ इस जगह पर आपके सामने, सिर्फ यहाँ पर लगाया था। देखिए, सिर्फ लोशन और ये वाली जगह बहुत ही रफ सी लग रही है, और ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट, अभी मैंने आपके सामने तकरीबन मुझे 2-3 सेकंड ही हुए होंगे, और देखिए कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और ये फिंगर्स पर अभी अप्लाई नहीं किया। अच्छा, लाइट के इफ़ेक्ट की वजह से कुछ चीज़ें ऐसे डार्क डार्क हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन इंशाल्लाह आपकी रिव्यूज़, आपके कमेंट की वजह से वीडियो जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। अपने कमेंट्स ज़रूर दें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। और उसके बाद है सनब्लॉक की बारी। अच्छा, जब भी मैंने कहीं जाना हो तो मैं सबसे पहले ये लोशन अप्लाई करती हूँ, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया पैक्स का, ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था।
अच्छा उसके बाद मैं फिर ये अप्लाई करने के बाद मैं ये जो सन ब्लॉक है वो लगाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है, स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, किसी महंगे प्रोडक्ट की मुझे ज़रूरत नहीं रहती। ये रिवाज वालों का है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका, आप भी इसको ज़रूर परचेज़ करें। ये जो मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखाई हैं ये आप ज़रूर ट्राई करें। अच्छा उसके बाद है सूथिंग लोशन, ये दोनों मैं कब करती हूँ, जब मुझे लगे कि मेरी स्किन थोड़ी डल हो गई है तो मैं पहले इससे मसाज करती हूँ अच्छी तरह, मैं 10-20 मिनट लगातार मसाज करती हूँ। उसके बाद ये शाइनिंग के लिए ये वाला लोशन मैं ये मैं लगाती हूँ स्किन शाइनर लेमन एंड रिस्ट। ओके तो ये चीज़ें आप ना भी करना चाहें, ऑप्शनल है ठीक है, तो ये चीज़ें आपने मस्ट करनी है, इससे आपका चेहरा ग्लो करेगा। अच्छा ये जो तीन मैंने बताया ना, एक ये, इसके बाद ये स्टेप, थर्ड पे मैंने आपको बताया था ये ग्लिसरीन, ये तो अपनी लाइफ रूटीन में ज़रूर शामिल करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।